तस्वीर इस वक्त दर्शकों के सामने रख दें। त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष आदिवासी वोट मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री माणिक साह ने भी आदिवासी वोटर को लेकर बड़ा दावा किया। अगरतला से एक लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर मंदिर की चौखट पर नमन किया जा रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, शायद ये बिप्लव देव ही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनका भी जिक्र अभी अभी थोड़ी देर पहले त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष ने किया। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में तो ऐसा है कि बिप्लव देव ज्यादा पॉपुलर है माणिक साह से, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने अगर कोई दांव चला है और माणिक साह को वहां पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया है, तो कोई ना कोई रणनीति बीजेपी के भी दिमाग में होगी। और इसका जिक्र अभी एक दिन पहले ही अमित शाह कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमने पूरी तैयारी की है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बहुमत के साथ त्रिपुरा में सरकार बनाने वाले हैं। त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष आदिवासी वोट मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री माणिक साह ने भी आदिवासी वोटर को लेकर बड़ा दावा किया है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने अपना वोट देने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आदिवासी के बारे में सोचते हैं। 5 आदिवासी को पद्मश्री दिया गया है, आदिवासी महाराजा के नाम पर एयरपोर्ट रखा गया है, आदिवासियों के पर्व के मौके पर 2 दिन की छुट्टी का ऐलान हुआ है। माणिक साह ने दावा किया कि आदिवासी वोटर बीजेपी को ही वोट देगा। प्रधानमंत्री रहेंगे और हमेशा ट्राइबल्स एरिया के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं। त्रिपुरा में 5 ट्राइबल लीडर्स को, लीजेंड को अभी पद्मश्री दिया हुआ है। यहाँ ट्राइबल महाराजा जो थे, इनका नाम से एयरपोर्ट हम लोग प्रधानमंत्री जी यहाँ आके इनोग्रेट किया। जरूर देखे होंगे कितना अच्छा एयरपोर्ट है, और वीर विक्रम किशोर माणिक बहादुर के नाम से दिया। फिर आप देखिए, यहाँ पर हम लोग का उनका गरिया पूजा हुआ। गरिया पूजा को हम लोग 2 दिन छुट्टी हम लोग डिक्लेयर के, प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक ट्राइबल लोगों का जो स्टूडेंट उनको जो स्टाइपेंड उसको भी बढ़ती की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।